मैं यही कहूँगी कि कोई भी अवार्ड शो जब भी होता है तो आर्टिस्ट को एक एक्साइटमेंट रहती है कि जो भी काम किया है उसको नवाजा जाएगा तो कैसे जाएगा। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस उसको प्यार करे, और अल्टीमेटली वो प्यार दुगना हो जाता है जब उस काम की सराहना भी होती है। देखिए, वाकई सम्मान तो एक सम्मान होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अवार्ड हो या कुछ हो, ड्रीम अचीवर अवार्ड इसमें जो जितने भी हैं, तो मतलब सारे एक जिन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सब हैं। सबसे पहले तो मैं राजेश जी और अपने घनश्याम जी, उनको बधाइयां देता हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ख़ास करके आज तो गवर्नर साहब आने वाले हैं और मुझे भी अवार्ड्स मिलेंगे, अचीवर अवार्ड्स। तो मैं नाना नानी फाउंडेशन, राजेश श्रीवास्तव जी, घनश्याम जी और पूरे टीम को मैं बधाई के साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर एंड सीजन्स ग्रीटिंग्स, क्योंकि सीजन्स ग्रीटिंग्स तो कभी भी हम एक दूसरे को दे सकते हैं। आज यहाँ पर जो हम एनआर ग्रुप के चेयरमैन हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाना नानी फाउंडेशन मिस्टर शान सिंघानिया, उनको और साथ में फिल्म टुडे के जो चीफ हैं राजेश, मैं उन दोनों को अपने तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। Hi, my name is Harshita Chaudhary and I am an upcoming actress, and today I'm here to attend this prestigious award function which has been initiated by Mr. Shyam Singhania of NR Group and Nana Nani Foundation and Mr. Rajesh Srivastava from Films Today. ड्रीम अचीवर अवार्ड में आज मुझे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक मैं आज यहाँ परफॉर्म करने वाली हूँ। सो आई होप कि जो भी लोग ऑडियंस में, आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगे और बहुत खुश हों आप मुझे सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बड़ा खूबसूरत अवार्ड फंक्शन था ये, मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ था और ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहे, ये एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। वेल आई थिंक दैट इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ड्रीम टू बी हियर एंड देन टू रिसीव एन अचीवर्स अवार्ड, यू नो वेरी फ्यू पीपल आर सिलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड देन टू एक्सेल एंड टू गेट द अवार्ड, सो ऑब्वियसली द नेम जस्टिफाइज बीइंग हियर, इट इज़ अ ड्रीम achievers of award for sure, and I think it's really celebrating people you know who has done and contributed in so many different ways to our lovely film industry, and you know I'm really happy to be here, it's a proud moment for us all. आज के दिन थोड़ा सा ये बताइए, और आज का जो ये फंक्शन है बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है, और इसमें एज अ गेस्ट सिंगर मैं और मेरी बेटी स्नेहा शंकर आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिल्म टुडे और नाना नानी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित है ये कार्यक्रम जो ड्रीम अचीवर्स अवार्ड। फिल्म टुडे के श्री राजेश श्रीवास्तव जी बहुत ही मेहनती और बहुत ही बड़े अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। राजेश श्रीवास्तव जी को मैं शुभकामना दूंगा। जैसे कलाम साहब कह के गए थे कि सपना जाग के देखना चाहिए, सो के नहीं, तो ये तो ड्रीम अचीवर अवार्ड है, और ये अवार्ड पाने के बाद और सपना देखेंगे लोग, सपना देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अवार्ड एक जिम्मेदारी होती है, कुछ करने की जिम्मेदारी, अवार्ड खाली पाने की नहीं और खाली टंगा के रखने के लिए ही, सजा के रखने की नहीं। तो मैं समझती हूँ ये अवार्ड पाने के बाद जो नाना नानी फाउंडेशन एंड फिल्म टुडे ऑर्गेनाइज करके सबको और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दे रहे हैं। मैंने परफॉर्म तो नहीं किया वैसे, बट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड एक बहुत अच्छा, मुझे इनफैक्ट ये जो पूरा किया है जो अरेंजमेंट वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, द स्टेज इज़ लुकिंग रियली नाइस, और जो सब लोग आए हैं इतने उत्साह से इंक्लूडिंग मी, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के, एंड द परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मेरी फ्रेंड है लीज़ा, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके पहले स्नेहा वॉज सिंगिंग, सो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कार्यक्रम होता है और सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं कुणाल सिंह, आप मुझे देख रहे होंगे नागिन में। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगा ये मेरा लाइफ का पहला अवार्ड है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचा हूँ, सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और थैंक यू नाना नानी अवार्ड फिल्म टुडे, थैंक यू सो मच।